दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक समय चिलबिला जंक्शन की पहचान इस रूप में होती थी कि पूरे भारत में यह एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो कि दो प्लेटफॉर्म के बीच में स्थित है, लेकिन अब वो पहचान बदल चुकी है। आप देख रहे हैं चिलबिला स्टेशन का रंग रूप नक्शा सब कुछ चेंज हो चुका है और चिलबिला स्टेशन एक आधुनिक स्टेशन में बदल चुका है। दोस्तों, इस समय हम चिलबिला जंक्शन पे हैं, लेकिन अब प्रतापगढ़ के चिलबिला स्टेशन की पहचान यह ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं यह प्लेटफॉर्म नंबर एक पे हम खड़े हुए हैं। बीच का जो एरिया था, यहाँ पर जहाँ पर अभी कैमरा फोकस है, यहाँ पर टिकट मिलता था पहले, लेकिन अब सब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म का यह स्टेशन हो चुका है। चिलबिला स्टेशन की जो पहचान थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। हालांकि चिलबिला आने का जो रास्ता था उस पर अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं चिलबिला से आने के बाद आपको यहाँ से आप आते थे और ऐसे पटरियों के द्वारा रोड क्रॉस करके यहाँ पर आपको टिकट मिलता था, यहाँ पर टिकट खिड़की होती थी, लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। और इस वीडियो में हम आपको चिलबिला पूरे रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाएंगे, जिसमें आपको चलेगा कि चिलबिला रेलवे स्टेशन कितना बदल चुका है। सामने आप देख रहे हैं प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग, और इसी से आप उतरते हैं तो चिलबिला स्टेशन आप यहां पर प्रवेश करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर काफ़ी तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है, और यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जाने के लिए यहां पर बहुत सारी सुविधा। अब आपको टिकट लेने के लिए वो रेलवे लाइन को पार नहीं करना पड़ेगा, टिकट आपको यहीं पर मिल जाएगा। जैसे ही आप चिलबिला रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं, और आप देखेंगे इधर आपको साधन यहाँ पर छोड़ता है, और सीधे जाएंगे आप, मुड़ते चले जाएंगे, सीधे ही आपको टिकट खिड़की मिलेगी, जो कि पहले आप देखते थे यहाँ पर स्टेशन के बीच में स्थित होती थी। अब टिकट खिड़की आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक समय चिलबिला जंक्शन की पहचान इस रूप में होती थी कि पूरे भारत में यह एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो कि दो प्लेटफॉर्म के बीच में स्थित है, लेकिन अब वो पहचान बदल चुकी है। आप देख रहे हैं चिलबिला स्टेशन का रंग रूप नक्शा सब कुछ चेंज हो चुका है और चिलबिला स्टेशन एक आधुनिक स्टेशन में बदल चुका है। आप देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर यात्रियों को बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है, वहीं पर टिकट खिड़की भी आधुनिक रूप ले चुकी है। स्टेशन का जो कॉरिडोर है उसके सामने रखे यह गमले स्टेशन की शोभा को और बढ़ाते हैं। हालांकि अभी निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है, बीच के प्लेटफॉर्म का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, और जो ओवरब्रिज है वो भी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। यात्रियों के बैठने की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, यात्रियों के रुकने के लिए छाया भी की गई है, और स्टेशन का आप रूप देख रहे हैं बहुत ही साफ़ सुथरा और नवनिर्मित स्टेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चिलबिला की पहचान एक उद्योग नगरी के रूप में होती है। अब यहाँ पर व्यापारियों को जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए जहाँ पर प्रसाधन की सुविधा है, वहीं पर पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अभी बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, और इन निर्माण कार्यों में जो भी सहयोग सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, यहाँ के कर्मचारी भी अपनी तरह लगे। किराना मंडी का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर आसपास के इलाकों से बहुत सारे व्यापारी अपने व्यापार को करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से चिलबिला स्टेशन का यहाँ पर बनना, चिलबिला स्टेशन का आधुनिकीकरण होना एक प्रकार से बहुत ही अच्छी बात है। शासन की जहाँ तक मंशा है तो इस कार्य को सराहनीय कदम कहा जाएगा। बस एक पहचान जो थी कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्टेशन जो कि दो प्लेटफॉर्म के बीच में था, और अब वह पहचान इसकी छिन चुकी है, लेकिन इससे कोई बात नहीं, विकास तो हो रहा है और विकास के लिए ही सारी दुनिया परेशान है।
आप देख रहे हैं चिलबिला का यह स्टेशन अभी नया नया ही बना है। पहले यह एकदम बीच में होता था, दो रेलवे लाइनों के बीच में होता था, दो प्लेटफॉर्म के बीच में होता था, लेकिन अभी चिलबिला का स्टेशन पूरी तरह से बदल चुका है। चारों तरफ पर नज़ारा आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन चिलबिला प्रतापगढ़ का। ये जंक्शन है चिलबिला जंक्शन रेलवे स्टेशन, और इसका आधुनिकीकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए नया ओवरब्रिज भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे चल के देखते हैं इसके ऊपर। आप यहाँ से पूरा नज़ारा चिलबिला रेलवे स्टेशन पर जो कार्य हो रहे हैं उसको भी देख सकते हैं, और चिलबिला रेलवे स्टेशन पर जो लंबाई है प्लेटफार्म की ये भी बढ़ाई गई है। पहले यह 200 से 300 मीटर होती थी, अब इसको 500 से 600 मीटर तकरीबन किया गया है। आप देख रहे हैं मैं इस समय ओवरब्रिज के ऊपर खड़ा हूं, और वहां से आपको यह वीडियो दिखा। रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। इस साइड भी देखेंगे तो स्टेशन को काफ़ी आगे तक लिया गया है। पहले जहां तक स्टेशन ख़त्म हो जाता था, अब वहां से स्टेशन स्टार्ट हो रहा है। वहां पर टिकट की खिड़की बनी हुई है और यहां से आप टिकट ले सकते हैं। और चार प्लेटफार्म हो गए हैं, एक प्लेटफार्म बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से जो यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ता, अब वो भीड़ नहीं रहेगी। यह है यहाँ का प्लेटफार्म नंबर 4, और इस प्लेटफार्म के बनने से अब यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उनको अपनी ट्रेनों को बदलने के लिए जो भागम भाग होता था, भीड़ भाड़ होता था, उसको नहीं करना पड़ेगा। सरकारी नल भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पानी की सुविधा पंप में नहीं मिल रही है, तो आप डायरेक्ट मैनुअल रूप से फिर पानी का यहाँ पर पानी को निकाल के पी सकते हैं। और कर्मचारी अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। यह नया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब इस भी सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। इसका जो ये कैंपस है, यहाँ पर पार्क भी बनाया गया है, जिससे प्रकृति का बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के लिए रोड भी बनाई गई है, जहां से आपको अपने 4 चक्के या 2 चक्के से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आपको अब रोड टिकट लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट टिकट काउंटर पर आ सकते हैं।